हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ खट्टी मीठी चटपटी अदरक की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। उसके लिए मैंने लिया अदरक, ये 100 ग्राम है। उसके अलावा टमाटर एक बड़ा साइज़ का है, एक प्याज है, करिया पत्ती, नमक, सूखी लाल मिर्च और लहसुन। लहसुन को मैंने, एक लहसुन था उसको छील लिया है। उसके अलावा ये है उड़द दाल, उड़द दाल 1 टीस्पून, खड़ा धनिया 1 टीस्पून, ये है दाल दलिया, इसको फुटाने भी बोलते हैं, 2 टीस्पून है, इमली और गुड़। और उसके अलावा ये है तेल। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है अराउंड 2 टीस्पून जितना ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया, उसमें मैंने 1 टीस्पून उड़द दाल डाला है। उड़द दाल डाल के इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें भुनना है, थोड़ा सुनहरा होते तक। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें अदरक को डालूंगी। अदरक को मैंने पहले धो लिया था, फिर उसके छोटे पीसेस काट लिए हैं, काट के मैं उसको डाल रही हूँ। अदरक को भी धीमी आँच पर भुनना है, पर अदरक को ज़्यादा भी नहीं भुनना है, अदरवाइज अदरक का ओरिजिनल फ्लेवर नहीं आएगा चटनी में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़ी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि जो अदरक है वो भी थोड़ा सा तीखा रहता है। उसके बाद मैंने डाला 1 स्पून खड़ा धनिया, डाल के मैं भी इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये चटनी बहुत जल्दी भी बनती है, बहुत टेस्टी है। ये स्पेशली डोसा, इडली और एक पेसरट्टू होता है, साउथ में बहुत फेमस है, मूंग दाल का डोसा, उसके साथ सर्व किया जाता है। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून दाल दलिया डाला है, डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पेसरट्टू वो ऐसी रेसिपी है जिसको खाने से हेल्दी तो रहता ही है, साथ ही साथ वेट जिसको लूज़ करना है उसके लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने डाला था करिया पत्ती और अभी मैंने डाला है लहसुन। लहसुन डाल के थोड़ा सा भून के अब मैंने इसमें प्याज डाला है, प्याज डाल के भी मैं इसको हल्का भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर, एक थोड़ा मीडियम साइज़ का टमाटर है और प्याज भी मीडियम साइज़ का, उनको मैंने काट लिया है। टमाटर डाल के अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये चटनी जितनी जल्दी बनती है उतनी ज़्यादा टेस्टी भी है। इसको आप बना के फ्रिज के बाहर 2 दिन तक रख सकते हो, फ्रिज में रख के 1 वीक तक खा सकते हो। अभी मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके ढक के मैं 3-4 मिनट या तब तक जब तक कि टमाटर गलता नहीं ढक के रख दूँगी। अभी मैंने इसे ढक दिया है, मैंने 4 मिनट बाद चेक कर लिया था, टमाटर काफ़ी अच्छे से गल गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली। इमली मैंने जो छोटी साइज़ की नींबू होती है उतना लिया है। आप एकदम ज़्यादा इमली नहीं डालना, अदरवाइज टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अगर आपको इमली नहीं पसंद है तो ग्राइंड करते समय आप आधा नींबू निचोड़ सकते हो। अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। मैंने लिया एक मिक्सी का जार, इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ। डाल के अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक हम लोगों ने पहले भी डाला है तो नमक आप देख के डालना। उसके अलावा मैं 2 टीस्पून जितना गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ को मैंने तोड़ लिया है। गुड़ डाल के अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप गुड़ थोड़ा सा कम कर सकते हो। इसको एकदम चिकना ग्राइंड करना है, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से ग्राइंड किया है। आप जितना चिकना ग्राइंड कर सकते हो उतना चिकना इसको ग्राइंड करना, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छे से लगेगा। बस चटनी बन के रेडी है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हो, चाहो तो तड़का भी लगा सकते हो। रेस्टोरेंट में जनरली ऐसे सर्व किया जाता है, बट हम लोग इसमें लगाएंगे तड़का। उसके लिए मैंने तड़का पैन रखे, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है 2 टीस्पून जितना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा सरसों डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च डाल के फिर मैं इसमें डालूँगी करिया पत्ती और थोड़ा सा हींग। बस तड़का बन के रेडी है। उसके बाद इस तड़के को मैं डालूँगी चटनी के ऊपर। अब आप भी ये टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी अदरक की चटनी ज़रूर बनाइए, इसे सर्व करिए डोसा, चावल या रोटी किसी के भी साथ। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।